जान बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन अब उन्होंने हमारे ऊपर भी वार करा था, लेकिन मैं तो बच गया सर। लेकिन पीछे से जो मेरे बाद में जो थे उनके चोट लगी थी। मोबाइल व्हाट्सएप पे इनका फोटो लगा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था, ये इस कुत्ते को ध्यान से देख लो, इसने अपने भगवान को गाली दी है। तो दो तीन लेडीज थी, उन्होंने चिल्लाया भी था, लेकिन वो चैनल गेट जो पास में हमारे दुकान के वहाँ से आज चैनल गेट से चिल्लाई भी थी दो तीन लेडीज, लेकिन कोई आया नहीं था सर। आसपास दुकानें सब बंद रहती है, खाली एक दुकान खुली थी नीचे लेटेस्ट टेलर करके, वो दुकान दो मेंबर थे तो दोनों भी भाग गए थे। ये किस समय का, क्या वो डर के भागे थे? डर के भागे थे सर। किस समय का वाक्य था ये? 3 बजे के आसपास का वाक्य सर। तो आसपास की दुकानें बंद क्यों पड़ी हुई थी? वो सर कोरोना काल से बंद है। अच्छा, तो ये बताएं कि जब वो चोटिल हो चुके थे, जब उनका खून बह रहा था कन्हैया लाल के, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या ख्याल आया? क्या आपने उनकी जान बचाने की कोशिश की? सर जान बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन अब उन्होंने हमारे ऊपर भी वार करा था, लेकिन मैं तो बच गया सर। लेकिन पीछे से जो मेरे बाद में जो थे उनके चोट लगी सर। आप बता रहे थे ईश्वर को आप अस्पताल लेकर गए? पर मैं उनके सर पे कपड़ा बांधा। अच्छा। और मैंने पास में एक जो बाद में जो लड़के आए, भीड़ इकट्ठा हुई, तब मैंने उसको अभिषेक नाम का एक लड़का, उसको बोला तू इनको तो एक बार हॉस्पिटल ले जा, फिर उनको हॉस्पिटल भेजा सर उस हालात में। राजकुमार जी ये बताएं, कन्हैया लाल का खून बह रहा था, शरीर पर कई जगह वार थे, कहा जा रहा था कि 26 जगह वार हुए थे, उसमें से 8 से 10 जगह गर्दन पे वार हुए थे, तो आपको लग रहा था क्या कि उम्मीद है कुछ बचे होंगे? आपने कोशिश की उनको अस्पताल ले जाने की? जब तक बाहर आए थे जब तक बचे हुए थे सर, लेकिन मैं जब ईश्वर गौड़ को अंदर ले गया उसके बाद मैं उनको देखने के लिए जैसे ही बाहर आया, जब तक पब्लिक भी आ चुकी थी, तो सर जब तक वो हत्या हो चुकी थी। उसके बाद आपने क्या किया? क्या परिवार को बताया, कॉल किया किसी को? सर सब भीड़ इकट्ठा हो गई, सबने एक दूसरे ने फोन लगाना चालू कर दिया सर उस समय। तो वहाँ पर इन्होंने कुछ नारेबाजी भी की थी क्या? जो ये दो लोग आए थे इन्होंने कुछ ऐसा कुछ नारा भी दिया था क्या, और कुछ कहा था क्या कि इसलिए कत्ल कर रहे हैं वहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुना सर। अच्छा, तो वहाँ से कत्ल करने के तुरंत बाद ये लोग फरार हो गए बाइक पर? जी सर, उसी बाइक में, जिस बाइक में आए थे उसी बाइक से ये लोग नीचे उतर गए थे। आसपास कोई भी, किसी ने भी मदद करने की कोशिश? कोई नहीं सर, दो तीन लेडीज थी, उन्होंने चिल्लाया भी था, लेकिन वो चैनल गेट जो पास में हमारे दुकान के वहाँ से आज चैनल गेट से चिल्लाई भी थी दो तीन लेडीज, लेकिन कोई आया नहीं था सर। कहा जा रहा था कि कन्हैया लाल पहले कुछ ऐसा पोस्ट करते थे, उनके बेटे से एक बार गलती से कुछ शेयर हो गया, जिसकी वजह से ये सारा जो मामला जो है, इस उनको धमकियां मिलनी शुरू हो गई, उसके बाद उनके उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उनकी जान तक चली गई। तो क्या कुछ कन्हैया लाल आपको कहते थे कि उन्होंने कुछ ऐसा शेयर किया जिसकी वजह से ऐसी धमकियां मिल रही हैं? वो हमको बताते थे सर कि गलती से पोस्ट हो गई है, लेकिन मेरे को मालूम नहीं है कि मेरे से पोस्ट हुई या मेरे बच्चे से पोस्ट हुई, ऐसा उन्होंने उनको भी खुद को मालूम नहीं था। धमकियों के बारे में कुछ कहते थे कि धमकियां मिल रही हैं, इस तरह से कहा जा रहा है कि तुम्हें मार देंगे? मार देंगे सर, ये देखने में आया था सर कि इनके मोबाइल व्हाट्सएप पे इनका फोटो लगा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था, ये इस कुत्ते को ध्यान से देख लो, इसने अपने भगवान को गाली दी है। किसके व्हाट्सएप पे लगा? व्हाट्सएप हर मुसलमान के व्हाट्सएप में था सर। आप किसके बारे में कह रहे हैं, मोहम्मद रियाज के फोन में लगा हुआ था या किसी और के? नहीं सर, ये इनके जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो कोई ग्रुप बना हुआ था, इनके ग्रुप में बना। अच्छा, आपका कहने का मतलब है ग्रुप बनाकर उन्होंने व्हाट्सएप में फोटो डाली थी कि कन्हैया लाल को देख लो? फोटो डाल रखा था कन्हैया लाल का, जब ये हत्या नहीं उससे पहले फोटो डाल रखा था। तो आपका मतलब है उस व्हाट्सएप के ग्रुप के जरिए रियाज मोहम्मद और मोहम्मद गौस को हो सकता है भड़काया गया हो, इस तरह से ये जो सारा इंडोक्ट्रिनेशन की बात कही जा रही है। व्हाट्सएप में किसने डाला फोटो ये अभी तक मालूम नहीं है सर, बाकी व्हाट्सएप में सब ये जितने भी इनके लड़के हैं ना सर, इनके भी व्हाट्सएप में फोटो है और लिखा हुआ है। किनके लड़के हैं ये? जो भी लड़के मोहम्मद, इनके जो भी लड़के हैं इनके व्हाट्सएप में। ये आपको किसने कहा है? ये मैंने देखा है सर। आपने खुद देखा है? जी सर। ये बताएं कि कन्हैया लाल जी के यहाँ पे आप कितने समय से कार्यरत थे, क्या कुछ आप काम करते थे वहाँ पे? मैं सर 8 साल से काम करता हूँ और पेंट कारीगर हूँ।